साइंस का वीडियो नंबर 7 फॉर यूपी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, एक रूप है। दूसरा पॉइंट बनता है, प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप माना जा सकता है। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय विकिरण, अगर ये ऑप्शन आता है तो भी काफ़ी अच्छा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप माना जा सकता है, माना जा सकता है। प्रकाश बिना माध्यम में गमन कर सकता है, ठीक है, बिना माध्यम के गमन कर सकता है, यानी कि प्रकाश बिना किसी माध्यम के गमन कर सकता है, ठीक है। गमन करना मतलब चलना, प्रकाश बिना किसी माध्यम में गति कर सकता है या बिना बिना माध्यम के गमन कर सकता है। प्रकाश के संचरण की नहीं, ऊर्जा संचरण की विधियाँ होती हैं। प्रकाश जो है विकिरण माध्यम से आता है, विकिरण इसकी विधि को विकिरण कहा जाता है, यानी कि बिना किसी माध्यम से, जैसे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो विकिरण की सहायता से आता है, विकिरण माध्यम होता है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको विकिरण कहा जाता है, प्रकाश का विकिरण। प्रकाश की अधिकतम चाल, प्रकाश की अधिकतम चाल ये होती है 3×10^8 मीटर बाई सेकेंड होती है, ठीक है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश समांगी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है, समांगी माध्यम यानी एक जैसा माध्यम अगर मिल जाए, समांगी माध्यम में एक सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 एंड कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं, ठीक है। अगर सूर्य का प्रकाश पानी पर पड़ जाता है, जैसे इंद्रधनुष बनता है, तो वही 7 रंगों के कारण इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष का निर्माण उन्हीं 7 रंगों के कारण होता है। जो अलग अलग कलर्स के होते हैं, बीब चोर यानी कि वायलेट, इंडिगो, वी जो कलर का टर्म है, VIVZYOR इस तरह से होते हैं, नीचे से ऊपर को VIVZYOR, ये होता है रेड, ऑरेंज, येलो, जी मीन्स ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। तो इस तरह से जो कलर हैं, बीप जी और का जो क्रम है, इस तरह से होता है, यानी कि रेड जो है कलर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और उस क्रम में है, यहाँ से थोड़ा कम से और आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, बीप जी और इस क्रम में
प्रकाश के रंगों को समाहित किया जाता है। प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। अगर उन रंगों के नाम बताने हैं तो इस तरह से नाम बताए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मीथेन एल्केन का सरलतम हाइड्रोकार्बन है।